जैसा आपको पता कि DFCCL का आपका प्रीलिम्स का यानी कि CBT 1 की आंसर की आ चुकी है, सबने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे, आउट ऑफ 100 कितने कितने नंबर आपके आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल था। तो अभी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा CBT 2 पर, उसकी तैयारी कैसे करें, उसका टाइम कब से स्टार्ट होना चाहिए कि भाई कब से स्टार्ट कर दे, परफेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। यही वीडियो मैंने CBT 1 के लिए भी बनाई थी, वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही थी, जिससे कि आपको आइडिया लग गया था कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आपको रास्ता पता है कि हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं CBT 2 में, और फिर काफी आसानी हो जाती है। पहले हम बात कर लेंगे क्या क्या चीजें हैं, कैसे कवर करना है, एक बार उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखते हो, DFCCL 2023 के लिए अगर हम बात करेंगे सेकंड स्टेज के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 20 टाइम्स जो है कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज होंगी, पोस्ट ऑफ नोटिफिकेशन एज पर द मेरिट लिस्ट इन द स्टेज 1 CBT। तो स्टेज 1 में जिसकी जितनी है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, उसके हिसाब से 20 गुना बच्चे 20 टाइम्स आपके बुलाए जाएंगे कम्युनिटी वाइज, ठीक है। इसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा CBAT फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और द बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी थी, उसमें इन्होंने लिखा है 8 गुना बच्चे ले जाएंगे स्टेज 2 में जो क्वालिफाई होंगे, स्टेज 2 से आगे 8 गुना बच्चे ले जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इक्वल नंबर ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी जितनी है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगी। तो कहने का मतलब है अभी आपके पास चांस है 20 गुना बच्चों में आने के लिए, है ना। पेपर आपने दे दिया होगा, नंबर आपको पता चले गए होंगे लगभग, अभी कुछ टाइम के बाद उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसका मैं एक बार बता देता हूँ, CBT 2 का जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन वो दिसंबर में शेड्यूल्ड है ना, दिसंबर 2023 में शेड्यूल है, और अभी चल रहा है सितंबर, है ना, 1 सितंबर कल हो जाएगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ही है, लगभग 3 महीने आपके पास हैं पेपर को फोड़ने के लिए, है ना। अभी सितंबर के सेकंड वीक तक आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना, एक्चुअल कौन कौन पास आउट होंगे या कौन कौन जा रहे हैं CBT 2 में। अब CBT 2 में आ क्या क्या रहा है वो एक बार पता कर लेते हैं भाई, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो CBT 2 जो होने जा रहा है वो कुछ इस तरीके से होने जा रहा है कि जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस जो अलग अलग था पहले, अभी वो पूरा का पूरा 60 नंबर में पूछा जाएगा CBT 2 में, ठीक है। अब नॉलेज ऑफ द कंसर्न स्ट्रीम जो आपका स्पेसिफिक है ना, जो भी आप ब्रांच के हो, जिस भी ब्रांच के, वो भी 60 नंबर का आएगा, टोटल हो गया 120 नंबर। अभी पहले एक CBT 1 में पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल था, जहां पे फिल्टर होने के लिए बच्चों को डाला गया कि हाँ यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे, जो भी सीरियस वन होगा वो आगे बढ़ जाएगा, और वही आप देखने को मिलेगा CBT 2 में। यहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल फिर गेम चेंजर रोल प्ले करेगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि नॉन टेक्निकल में अगर आपने फोड़ दिया ना दोबारे से जॉब आपके हाथ में DFCCL की, तो बहुत बढ़िया जॉब हो जाएगी, है ना। अगर आप चाहते हो हमारे साथ तैयारी करना और चाहते हो कि सर एक रास्ता दिखा दो कि इस रास्ते पे CBT 2 पर जा सकते हैं हम, और CBT 2 के बाद हमें नौकरी लेनी है यही वाली, है ना, नौकरी तो बहुत बढ़िया भाई, गवर्नमेंट जॉब आपको रेलवे में मिल जाएगी, क्योंकि रेलवे का ही डिपार्टमेंट है एक तरह से DFCCL, है ना, ये बोल सकते हैं। तो करना क्या है एक बार मैं बता देता हूँ आपको, है ना। अगर आप आना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो एक काम कर सकते हो आप क्लासेस में आने के लिए, यूट्यूब पे तो क्लासेस चली चुकी है ना ऑलमोस्ट, अब SSC JEE के लिए भी चल रही है, बाकी एग्जाम्स के लिए चल रही है, सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी चल रही है यूट्यूब पे। बट अगर आप स्पेसिफाई चाहते हो कि सर एकदम वो तैयारी बता दो कि मैं डायरेक्ट यहाँ से पढ़ ले काम हो जाएगा CBT 2 में, जैसे CBT 1 में आपने बताया है, तो करना कुछ नहीं है, फर्स्ट लिंक पे जाना है। जैसे ही पहला लिंक पे क्लिक करते हो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, data247.com पे जाना है। क्या करना है, ऑल कोर्सेज में क्लिक करके जैसे ही आप JEE सेक्शन पे जाते हो, तो यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दिखाई दे रहा है तीनों, है ना। यहाँ पे आप क्या करो, इंजीनियरिंग महापैक का एक ऑप्शन है, तो इंजीनियरिंग महापैक पे आज चल रही है डबल वैलिडिटी, जिसमें आपका CBT 2 जो होगा DFCCL का वो इंक्लूडेड रहेगा, आने वाला RRB JEE और बहुत सारे एग्जाम्स जितने भी आने वाले हैं वो सारे के सारे इसमें डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, टेस्ट सीरीज भी आपको खरीदनी पड़ेगी CBT 2 की, तो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। करना क्या है मैं बता देता हूँ, बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे, जो लोग सिविल वाले हैं वो सिविल पे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल पे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल पे। तरीका बता रहा हूँ मैं ज्वाइन करने का, यहाँ पे राखी 75 कूपन लगा हुआ है, बट एक कूपन और लगा सकते हो जिससे कि और डिस्काउंट मिल जाए आपको थोड़ा सा, Y516 जैसे आप लगाते हो यहाँ पे, अप्लाई करते हो, अप्लाई करते दिखाता हूँ आपको डिस्काउंट, यहाँ पे अप्लाई करते आपको डिस्काउंट मिल जाएगा लगभग 77% का मिल जाएगा विद डबल वैलिडिटी, क्योंकि आज डबल वैलिडिटी आपके लिए चल रही है, ठीक है। तो 11,934 रुपए का डिस्काउंट 3564 में आप इनरोल कर जाओगे, 12 प्लस 12 पूरे पूरे 2 सालों तक आपके पास ये रहेगा, है ना।
और इसमें सीबीटी टू भी इन्वॉल्व रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है भाई, तो आओ हमारे साथ जुड़ो और इसी साल तैयारी करो, इसको फोड़ दो एग्जाम को, क्योंकि सीबीटी टू ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, बस सिर्फ जो सीरियस वन थे उनमें कॉम्पिटिशन रहने वाला है। तो अभी इस एग्जाम को छोड़ना नहीं है, सीबीटी वन की बात, सीबीटी टू भी क्वालिफाई करना है, सारा एग्जाम क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में नंबर बनाना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।